हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास सिक्स टॉपिक चल रहा है अपना डेटा हैंडलिंग। आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.2, जिंदे आप मेन पढ़ना है पिक्टोग्राफ। सब तो पहला आप इंट्रोडक्शन देख दिया पिक्टोग्राफ की होंगे। पिक्टोग्राफ की होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पिक्टोग्राफ की होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। किसे डेटा जो गिवन होगा अपन, उन्होंने अपना पिक्चर की फॉर्म में दिखाना, उन्होंने की कहना है पिक्टोग्राम, क्या है पिक्टोग्राफ, क्या है। ओके, आप कुछ पिक्चर बनावांगे एज यू विश, जो मर्जी बना सकते हो। जेकर क्वेश्चन के उन्हें क्या है कुछ पर्टिकुलर शेप गिवन है, फिर तो आप वही बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप जो मर्जी शेप बना सकते हैं। आपको कुछ डेटा गिवन होगा, ठीक है, आपको उन्हें पिक्चर बना के उन्हें शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज दे 15.2 दे पहले क्वेश्चन ना। 15.2 दे पहले क्वेश्चन नाल आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की है, गिवन बिलो आर द डिटेल ऑफ व्हीकल पार्क इन द पार्किंग लॉट ऑफ फैक्ट्री ऑफ एन एमएनसी, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ टेकिंग द स्केल ऑफ 100 फॉर ईच व्हीकल। उन्हें अपन एक चीज दस रखी है, आप जो एक पिक्चर है ना वो 100 व्हीकल के बराबर है। उन्हें क्या रखा है, टेकिंग अ स्केल ऑफ 100 ऑफ फॉर ईच व्हीकल, मतलब एक व्हीकल जो का दे बराबर है 100 दे बराबर है। ठीक है, एक व्हीकल का दे बराबर है अपने को 100 दे बराबर है, तो आप इन्हू की है रिप्रेजेंट करना। ओके, तो सब तो पहला आप गिवन है टाइप ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल्स। पहला अपने को किया बाइक साइक बाईसाइकल, उस तो बाद मोटरसाइकिल, उस तो बाद की आ गया स्कूटर आ गया, उस तो बाद की आ गया कार, उस तो बाद स्कूटी एंड लास्ट की आ गया ट्रक। ओके, छे तरह के अपने कोल की ने व्हीकल है, छे तरह के। उस तो बाद नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स कार के बाईसाइकिल किन्ने अपने कोल 500, 400, 300, उस तो बाद की आ गया कारा किनिया 800, उस तो बाद 900, तो उस तो बाद की आ गया 200। ये टोटल की आ गया अपने को व्हीकल आ गए। ओके, बाईसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, स्कूटी ते ट्रक। हुण उन्हें की कहा जी एक शेप है ना, मान लो मैं ट्रैंगल शेप बनाती, एक शेप है, ठीक है, कोई भी बना सकते हो, तुम ट्रैंगल बना सकते हो, स्केयर बना सकते हो, कोई स्माइली बना सकते हो, जो तुम कोई स्माइली बनाना चाहते हो स्माइली बना सकते हो। ओके, चलो स्माइली बनाने, स्माइल करना चाहिए, स्माइली का दे इक्वल है 100 दे इक्वल। ओके, एक स्माइली का दे इक्वल है 100 दे इक्वल। हुण इहदे कोल किन्नी है 500 है, तो 500 नूं मैं किस तरीके नाल लिख सकदा, इस तरह लिख सकदा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ते 100, 5 बार 100 आ गया मेरे कोल, 5 बार की आ गया मेरे कोल 100 आ गया। ठीक है, 500 नूं मैं की लिख सकदा 5 बार 100 करके लिख सकदा। तो इत्थे मैं की लिखूंगा पिक्टोग्राफ, इतने लिखा मैं पिक्टोग्राफ। 500 का मीनिंग समझ आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ओके, हुण इहनूं मैं रफ करता, हुण इत्थे की है एक जिहड़ी शेप है, एक स्माइली का दे बराबर है 100 दे इक्वल है, तो 500 लई आपां नूं किन्नियां स्माइली बनाउणियां पैणगियां, 5 5, किन्नियां स्माइली बनाउणियां आपां 5। ओके, तुसीं इस तरह स्माइली बना दो, बस स्माइल करना चाहिए हमेशा। किन्नियां बन गया, 5 बन गया। उस तो बाद अगले लिए 400, तो आपां नूं किन्नियां बनाउणियां पैणगियां, 4 बनाउणियां पैणगियां, किन्नियां बनाउणियां पैणगियां, 4 बनाउणियां पैणगियां आपां नूं, तां ही अपने कोल 400 बन जाएगा। ओके, 100 नूं 4 वारा लिखांगे तां की बनदा है, 400 बनदा। उस तो बाद 300, 3 स्माइली, 3 स्माइली आ गया। उस तो बाद 800, एक छोटियां स्माइली बनावांगे, 2 3 4 पांच छे सात ते की आ गया 8 आ गया, 8 स्माइली हो गया, 800 हो गया। उस तो अगला की है 900, बालियां ज्यादा हो गया, चलो छोटिया छोटिया आप स्माइल कर देने। ओके, 2 3 4 पांच छे सात 8, उस तो बाद की आ गया 9, 9 स्माइली हो गया। उस तो बाद की आ गया 200, चलो 2 ही स्माइली बनानी पैगी अपन। ओके, 2 क्यों बनानी पैगी, क्योंकि एक 100 दे इक्वल है, 100 प्लस 100 लिखांगे ना, 200 बन गया, तो कितनी हो गया 2 स्माइली हो गया। ओके, इस तरीके नाल तुसी किनू पिक्टोग्राफ
पिक्चर के रूप में तुसी क्वेश्चन नू क्या रीप्रजेंट कर सकते हो। ओके, जो डेटा अपन गिवन सी नंबर ऑफ व्हीकल का, इन्हों आप पिक्चर बना के की करता रीप्रजेंट करता। ये चीज़ जरूर लिखनी है कि मतलब एक समाइली का बराबर है, तुसी केड़ी शेप लैके चल रहे हो, समाइली लैके चल रहे हो, कोई ट्रैंगल बना रहे हो, स्केयर बना रहे हो, कोई सर्कल बना रहे हो, कुछ भी बना दो, ठीक है, कुछ भी बना दो, तो आपको की दसना पड़ेगा एक केड़ी समाइली कितने के बराबर। उन्हें क्या रखे वैसे क्वेश्चन के विच, एक समाइली का बराबर अपने को 100 के बराबर। ओके, नैक्सट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के विच की कह रहे हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है वैसे, चलो करते हैं आप कवर इन क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहे हैं, द टेबल गिवन बिलो शोज द डिटेल ऑफ फुटबॉल फॉर अ नून शो इन अ सिनेमा थिएटर इन अ पर्टिकुलर वीक। पहला आपां नूं की है डे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला आपां नूं डे गिवन है, मंडे, ट्यूजडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उस तो बाद सैटरडे, तो लास्ट की आ गया संडे आ। पहला आपां नूं डे आ गए, उस तो बाद आ गए नंबर ऑफ फुटफॉल्स, मैं फुटबॉल पढ़ गया फुटफॉल से, ठीक है, फुटफॉल कोई शो का नेम है, फुटफॉल, नंबर ऑफ फुटफॉल, मैनू फुटबॉल लग्या सी फुटफॉल्स। पहले कोल किन्ने आ, 250, 175, 200, 300, 225, 300, लास्ट विच की आ गया 300 आ गया। ये अपन डेटा गिवन है। अगे कह रहा है ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टेकिंग अ स्केल ऑफ पेयर, पेयर ऑफ फुट लेने हैं, पैरों के निशान है, वन परसन फुटफॉल इज इक्वल टू 25, वन परसन फुटफॉल का इक्वल है 25 दे, मतलब दो पैरों के निशान 25 दे बराबर है, काफ़ी ज़्यादा बनाने पैणगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाया ना, पता नहीं की सोच समझ के उन्हें क्वेश्चन पाया कि इन्ना लंबा बच्चे किमें बनाएंगे। उन्हें कहा जेडे एक दो पैरों के निशान है ना 25 के इक्वल है, तो इतने आप 250 मतलब 10 10 दुनी 20 पैरों के निशान बनाने पैणगे। किमें पता लगेगा, देखो पहला आ गया 250, 250 25 नाल डिवाइड कर लो, कि आ गया 10 आ गया, 10 बार बनाने पैणगे ना, हुण एक नूं की है दो बार बनाना, मतलब पैरों के निशान डबल। ओके, 10 दुनी कि आ गया 20 आ गया, इतने आप लिखा पिक्टोग्राफ, पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाले ने की सोचा होगा क्वेश्चन बनाने लगे, पैरों के निशान एक दो तीन चार पाँच छे सत अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नी, तो लास्ट की आ गया 20 आ गया। ये तो पहले का आया जी, ये तो सिर्फ पहले का आया 20 पैरों के निशान हो गए, ठीक है। हुण 175 वाले मैं तुहानू लिख देना, तुसी खुद बना लियो। ओके, मेरे को बोर्ड दी छोटा बोर्ड है तो इतने बन नहीं रहे, तुसी खुद बना लियो इहनू, इहदे किन्ने बनणगे तुसी डिवाइड कर लो, 7 दुनी कि आवगे 14, इतने कि आवगे 8, 8 दुनी 16, इतने कि आवगे अपने को आ गए 24, इतने किन्ने आने अपने को 9, 9 दुनी कि आ गया 18, इतने कि आ गया फिर 24, इतने भी किन्ने बन गए 24। जिमें देखो 1 2 3 इसे बनते तो 10 ही ना, अपने एक इंसान के दो पैर होंगे। ओके, एक इंसान के दो पैर होंगे ना, उस तरीके कहता जो एक फुटफॉल है ना 25 का, वह दो पैरों के निशाना के बराबर है, तो देखो इतने 10 है तो 10 दूनी किन्ने बन गए 20 बन गए, तो सारे ने मैं डबल करके दसते, तुम इनू की खुद रीप्रजेंट कर लो। ओके, पैरों के निशान बनाने, मेरे को जी ड्रॉइंग हुई है, तुम कि वधिया जी ड्रॉइंग खुद कर लियो। ओके, सारे पैरों के निशान मैं दसते किन्ने किन्ने बनाने, तुम इन्हों की खुद बना सकते। ओके, नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 3, नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट तुम खुद कर लियो, सौखा जहा क्वेश्चन है, बस पैरों के निशान बनाई चलने। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहे हैं, द टेबल बिलो गिव द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर वेरियस गेम्स इन अकेडमी, द स्केल इज गिवन बिलो। जिहड़ा फुटबॉल है 10 दे इक्वल है, जिहड़ा वॉलीबॉल है 10 दे इक्वल है, हॉकी 10 दे इक्वल है, टैनिस 10 दे इक्वल। ओके, तो पहला आप देखते हैं गेम, गेम कि फुटबॉल, गेम कि पहला आ गई फुटबॉल, उस तो बाद बास्केटबॉल, मैं वॉलीबॉल कह गया बास्केटबॉल है, चलो हॉकी, उस तो बाद की आ गया बैडमिंटन,
देखो फुटबॉल किन्ने बनया, जे तुसी क्वेश्चन दे ऊपर देखो फुटबॉल किन्ने बनया, सिक्स बनया, छे बनया ना। हुण एक फुटबॉल का दे इक्वल है 10 दे, तो इत्थे किन्ने आ 1 2 3 4 5 ते 6 7 है। तो देखो अपने कोल की आ गया, किन्ने आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने, आपां फाइंड करने है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक का दे बराबर है 10 दे, अपने कोल किन्ने फुटबॉल है 7, तो कितना हो गया 70 आ गया। ओके एक फुटबॉल की वैल्यू कितनी है 10, किन्ने फुटबॉल बने हैं थे 7 बने हैं, तो 7 नू 10 नाल मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 70 आ गया। उस तो बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की वैल्यू भी कितनी है 10 है, किन्ने बास्केटबॉल है 6 है, तो आप करेंगे 10 मल्टीप्लाई 6, किन्ने स्टूडेंट हो गए 60, 70 स्टूडेंट तो है ने फुटबॉल खेलते हैं, 60 स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलते हैं। उस तो बाद हॉकी वाले, किनिया हॉकिया है 5, एक हॉकी की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी अपने को 50 आ गई, मतलब 50 वो स्टूडेंट है जो कि है अपने को हॉकी खेलते हैं। उस तो बाद बैडमिंटन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप 10 कद मल्टीप्लाई करा आप 6 न, तो किन्ने स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं 60 खेलते। ओके पहला उपरों वैल्यू चेक कर लो, फुटबॉल की वैल्यू 10 है, बास्केटबॉल की वैल्यू 10 है, हॉकी की वैल्यू भी 10 है, बैडमिंटन की वैल्यू भी 10 है। उस तो बाद काउंट कर लो जिन्हें भी उन्होंने मल्टीप्लाई करके तुसी आंसर फाइंड कर सकते। उस तो बाद कुछ क्वेश्चन पूछे उन्हें, मेन क्वेश्चनों के आंसर ही देने हैं। पहला क्वेश्चन की है, कहिंदा हाउ मैनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर हॉकी, हॉकी के किन्ने स्टूडेंट है, देखो हॉकी के सामने किन्ने 50, तो पहले का आंसर की आ गया 50 आ गया, 50 बच्चे की है हॉकी खेलते हैं। उस तो बाद नेक्स्ट, विच इज़ फेवरेट गेम अमंग स्टूडेंट, सब तो फेवरेट केड़ी है, सब तो ज़्यादा कौन है 70, तो केड़ा आ गया फुटबॉल, फुटबॉल की है सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट, सब तो ज़्यादा बच्चे की है फुटबॉल खेलते हैं 70, तो फुटबॉल की है फेवरेट है। आर देयर एनी गेम दैट आर ऑप्टेड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई इतने गेम हैगी जी इक्वल है 60 60, केड़ी गेम है, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, ये दोवें आपस के विच की है इक्वल है। उस तो बाद डी पार्ट, डी दे विच की कह रहा, हाउ मैनी स्टूडेंट फॉर ऑप्टेड फॉर बैडमिंटन ओवर हॉकी, कहिंदा बैडमिंटन के किन्ने स्टूडेंट ज़्यादा हॉकी नालों, देखो बैडमिंटन च किन्ने 60, हॉकी च किन्ने 50, माइनस कर लो 10, तो अपने को आ गया 10 स्टूडेंट है जेडे की है हॉकी दे विचों हॉकी नालों की है ज़्यादा। ओके इस पार्ट च की पूछा उन्हें बैडमिंटन च किन्ने स्टूडेंट ज़्यादा हॉकी नालों, तो आप लिखा 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके तो अपना आंसर आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे विच की कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपन कुछ पिक्चर देती हैं, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द डिटेल ऑफ लैंप ऑफ 3 डिफरेंट साइज सोल्ड बाय अ पोर्टर ऑन अ संडे मॉर्निंग, कुछ उन्हें की है दीवे बच्चे, कुछ वड्डे है, कुछ मीडियम है, कुछ की है छोटे है। पहला आप देखते हैं बिग किन्ने हैं, फिर की आ गया अपने को मीडियम, उस तो बाद की आ गया समॉल, ये अपने को की है लैंप है, इतने आ गए नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप सोल्ड, जिहड़ा वड्डा दीवा है वह भी 15 के इक्वल है, छोटा भी 15 के इक्वल है, सब तो छोटा भी 15 के इक्वल, वड्डा मीडियम तो सब तो छोटा सारे की 15 के इक्वल है। पहले विच किन्ने दीवे है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है ना, वैल्यू किन्नी है 15, 15 नू 6 नाल मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 90, जिहड़े वड्डे दीवे से किन्ने विच उन्हें 90, क्योंकि एक की वैल्यू उन्हें दे रखी है, देखो आ दित्ती बुक दे विच 15। ओके उस तो बाद मीडियम वाले किन्ने आ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10, मीडियम वाले किन्ने आ 10, एक मीडियम की वैल्यू किन्नी है 15, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 150 आ गया। ओके थले मीडियम की वैल्यू दिती है कितनी है 15, समॉल की वैल्यू भी कितनी है 10, हम समॉल वाले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, 9 है ना, 9 नू 15 नाल मल्टीप्लाई कर लो किन्ने सेल किए उन्हें 135, सब तो व्डे 90 आ, मीडियम वाले 150 है, तो समॉल वाले किन्ने 135 है। हुण आपां इन्हां दे आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चन आपां नू पूछे गया, पहला की है हाउ मैनी लैंप ऑफ ईच साइज डिड ही सैल, देखो बिग दे किन्ने आ, बिग दे 90 आ, मीडियम किन्ने आ 150 है, तो समॉल किन्ने आ 135।
ओके सारे दसते अपना बिग दे किन्ने हैं, मीडियम दे किन्ने हैं, ते उस तो बाद स्मॉल दे किन्ने। बी विच पूछा उन्हें टोटल टोटल किन्ने हैं, सारे नू ऐड कर दो, 90 + 150 + 135, 240, 240 ते 200, उस तो बाद की आ गया 300 ते 75, टोटल किन्ने आ गए 375 आ गए। ओके 375 उन्हें किया टोटल सेल किए। नेक्स्ट सी पार्ट, सी दे विच की पूछा उन्हें, व्हाट वुड बी हिज टोटल सेल इफ ही सोल्ड ट्वाइस मोर, इफ ही सोल्ड ट्वाइस मोर मीडियम लैम्प इन द इवनिंग। कहिंदा जे उन्हें ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगने वेचे होंदे मीडियम दे, तां मीडियम दा डबल किन्ना हो गया, 2 × 150 = 300, तां टोटल किन्ने होने सी, टोटल किन्ने होने सी, 300 + 90 + 135, तां टोटल किन्ने होने सी, 525। कहिंदा जे मीडियम दा डबल हुंदा, जेकर मीडियम दा की हुंदा, डबल हुंदा, मतलब पहला 150 है, डबल किन्ना हो गया 300, तां टोटल किन्ने हो गए, 525 हो गए। उस तो बाद डी, डी च क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी स्मॉल लैम्प वुड ही हैव सोल्ड इन ऑल इफ ही रिप्लेस्ड ऑल द बिग लैम्प विद द स्मॉल वन। कहिंदा जे सारे बिग नू की स्मॉल नाल रिप्लेस कर देंदा, जे सारे बिग नू स्मॉल नाल रिप्लेस करदा, हुण देखो बिग वाले किन्ने, 90, तां स्मॉल वाले भी किन्ने होने सी, 90 + 135, दोवां नू ऐड कर दो, किन्ना होना सी, 225। वो कहिंदा जे सारे वड्डे आ जिहड़े बिग वाले आ ना, उन्हां नू जे रिप्लेस करदा वो स्मॉल दे नाल, मतलब 90 उन्हें वड्डे वेचिया, जे 90 छोटे वेचदा, प्लस किन्ने, 135, तां दोवां नू ऐड कर दो, तां टोटल किन्ने हो गए, 225 हो गए। ठीक है, तां इह सी अपने कोल अपनी एक्सरसाइज 15.2, जिंदे विच आपां पिक्टोग्राफ दे बारे पढ़िया, चार क्वेश्चन सी, चारे आपां की सॉल्व किए। नैक्सट वीडियो दे विच आपां एक्सरसाइज 15.3 लैके आवांगे।